Good morning, students. How are you? I hope you will be fine. Today I am going to start your chapter pronoun and its kinds for class 5th and 6th. आज दोनों क्लासेस के लिए pronoun and its kinds को पढ़ेंगे. तो चलिए सबसे पहले हम pronoun किसे कहते हैं उसके बारे में उसके definition के थ्रू जानते हैं. Pronoun, the word that is used in place of noun is called pronoun. Pronoun वह शब्द है जो noun के स्थान पर यूज किया जाता है. और noun के स्थान पर हम pronoun को यूज क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी सेंटेंस बार बार noun का बिल्कुल यूज करना ये सेंटेंस की शोभा नहीं होती है. ऐसे सेंटेंस की शोभा नहीं होती है. तो हमेशा इसी नाउन को रिपीट को दूर करने के लिए हम प्रोनाउन की मतलब मुझे प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ती है. तो यहाँ पर प्रोनाउन मीन्स हिंदी में इसको सर्वनाम कहते हैं. एग्जांपल से समझते हैं. अमन इज एब्सेंट बिकॉज अमन इज इल. अब देखिए इस सेंटेंस में अमन इज एब्सेंट अमन अनुपस्थित है बिकॉज अमन इज इल. अब यहाँ पे अमन को दो बार रिपीट किया गया है तो ये सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है. तो जहां पे नाउन को रिमूव करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं तो प्रोनाउन कौन सा होता है यानी नाउन के स्थान पे प्रोनाउन कौन सा होते हैं तो ही का यूज यहां किया गया है. एग्जाम्पल में ही क्या हो जाएगा प्रोनाउन होगा क्योंकि अमन क्या है बॉय है. तो किसी भी बॉय या मैन के लिए हम अगर सिंगुलर है तो ही का यूज करेंगे और बहुत सारे लोग हैं तो दे का यूज करेंगे. तो ही क्या हो गया प्रोनाउन है. इसी तरह अभी आप इसके प्रोनाउन कितने होते हैं आई वी यू ही सी इट ये सारे प्रोनाउन होते हैं. और उसके एग्जाम्पल भी सी के लिए हम गर्ल्स के लिए सी यूज करते हैं दे प्लूरल प्रोनाउन के लिए यूज करते हैं और आई जो सिंगुलर स्पीकर होता है उसके लिए आई का यूज करते हैं और जो प्लूरल स्पीकर होते हैं वहां पे हम वी का यूज करते हैं. अब हम इस प्रोनाउन के टाइप्स और काइंड्स को पढ़ेंगे. अब हम प्रोनाउन के काइंड्स को पढ़ेंगे. तो प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं जनरली 7 होते हैं कहीं कहीं 10 दे देते हैं. तो आज हम उसका जो फर्स्ट काइंड्स है प्रोनाउन का वो है पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं आइए डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं. पर्सनल प्रोनाउन्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नेम्स ऑफ पर्सन्स एनिमल्स और थिंग्स. वो प्रोनाउन जो एनिमल्स के नेम के स्थान पर यूज होते हैं या कोई पर्सन पर्सन में जो व्यक्ति है या थिंग्स यानी पर्सन एनिमल्स और थिंग्स के जगह जो शब्द का यूज किया जाता है वो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है. पर्सनल मीन्स होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम. अच्छा पर्सनल प्रोनाउन को 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है 3 ग्रुप्स में. फर्स्ट ग्रुप है फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन. यानी पर्सनल प्रोनाउन 3 पर्सन से मिलकर बना होता है. फर्स्ट पर्सन कौन होता है जो स्पीकर है जो बोल रहा है. इस समय आई एम स्पीकिंग अबाउट प्रोनाउन. तो आई क्या है मैं आपको प्रोनाउन के बारे में बता रही हूँ. तो वो आई फर्स्ट पर्सन और ये सिंगुलर नाउन में यूज होता है. आई जो होता है सिंगुलर नाउन में होता है और प्लूरल में वी आ जाएगा. अगर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोनाउन तो फर्स्ट पर्सन जो होता है वो स्पीकर होता है जो बोलता है जो बताता है. और सेकेंड पर्सन यू जैसे आप इस समय ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं देख रहे हैं तो यू क्या आप जो होगा वो सेकेंड पर्सन में यू आता
और सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए हम यू का ही यूज करते हैं। थर्ड पर्सन में यानी जो बोलने वाला है और सुनने वाले, अगर बोलने वाले सुनने वाले किसी अन्य के बारे में, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है तो वो थर्ड पर्सन में आएगा, ही सी इट। ये हमारे पर्सनल प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं, इन्हीं से मिलके पर्सनल प्रोनाउंस बनते हैं। आइए एग्जांपल से इसको समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे आई, देखिए फर्स्ट पर्सन है तो आई एम ए टीचर। आई क्या हो गया, ये फर्स्ट पर्सन है और ये पर्सनल प्रोनाउन भी है। यू क्या हुआ, सेकेंड जो पर्सन है यू, यू आर स्टूडेंट, आप विद्यार्थी हैं। यू क्या हुआ, सेकेंड पर्सन। ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। अन्य बॉय के बारे में बात हो रहा तो बॉय है तो ही का यूज हुआ, इसलिए ही क्या हुआ, थर्ड पर्सन। इस तरह से पर्सनल प्रोनाउन का यूज होता है और पर्सनल प्रोनाउन हमेशा तीन पर्सन से मिलकर होते हैं, मिलकर बनते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब हम सेकेंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को पढ़ेंगे। अभी आपने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में फर्स्ट जो काइंड था पर्सनल प्रोनाउन के विषय में पढ़ा, अब मेरा सेकेंड जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है वो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे इंटरोगेटिव से ही ये क्लियर हो जा रहा है कि ऐसे सब जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, ये सब क्या है, एक क्वेश्चन पुट अप किया जा रहा है, तो इसलिए हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। अब जो थर्ड काइंड ऑफ प्रोनाउन है वो है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोंस्ट्रेटिव मीन्स जो होता है वो संकेत वाचक, किसी चीज को हम पॉइंट आउट करने के लिए, जब हम किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए जिन शब्दों का हम यूज करते हैं, वर्ड्स का यूज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये सिर्फ फोर होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस का यूज कहां होता है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि दिस का यूज वहां होता है जो नियर थिंग्स है, जो नियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहां पे हम दिस का यूज करते हैं। दैट का यूज जो कुछ दूर पे है यानी डिस्टेंस पे है तो वो हम दैट का यूज करते हैं। और दिस, वही दिस का प्लूरल है दिस, और दैट का प्लूरल दोज है। तो एग्जाम्पल से इसको देखते हैं, दिस इज माई पर्स। यहाँ पे देखिए दिस का यूज, ये माई पर्स, यह नाउंस के लिए इसको इंडिकेट कर रहा, दिस इज माई पर्स। तो दिस क्या हुआ यहाँ पे, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। और डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन का सबसे इजी पहचान है कि दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, तुरंत उसके बाद वर्ब आता है। अगर वर्ब आता तो तुरंत आप बिना किसी कंफ्यूजन के तुरंत समझ लीजिए कि वो क्या कहलाएगा, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे देखिए दिस के बाद तुरंत वर्ब का यूज हुआ है, तो इसलिए दिस इज माई पर्स, और ये किसको इंडिकेट कर रहा है, माई पर्स, पर्स को इंडिकेट कर रहा है। दैट इज योर बैग, ये कुछ डिस्टेंस पे है, तो दैट का यूज किस लिए किया गया है, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए किया गया है। अब हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट काइंड्स है प्रोनाउन का वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। हिंदी में इसको कहते हैं वितरणवाचक सर्वनाम। इसका डेफिनेशन देखते हैं, दैट ट्रीट्स द नाउन इन वन एट ए टाइम मैनर। ट्रीट, जब किसी नाउन को हम डिवाइड करते हैं, एक समय में हम उस पार्ट को जब टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो वहां पे जो वर्ड्स यूज होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, ईच, ईच मीन्स प्रत्येक, ईदर या तो, नीदर ना तो, एवरीवन सभी, या प्रत्येक, नन मीन्स कोई नहीं। ईच का यूज यानी प्रत्येक के लिए होता है। एग्जाम्पल से देखिए, ईच ऑफ यू इज गुड, और हमेशा ये सिंगुलर नाउन में ही यूज होते हैं, जितने भी
डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन होते हैं, वहां पे देखिए यू है लेकिन इच का यूज हुआ है, तो यहाँ पे आर का यूज नहीं हुआ है। अगर यू है तो आर लिख सकते हैं, तो ये एरर है। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं सिंगुलर फॉर्म में आते हैं, उसकी वर्ब जो होगी वो सिंगुलर फॉर्म में होगी। इच ऑफ यू इज गुड, इच क्या आप में से प्रत्येक, यानी बहुत सारे आप में से क्या है, इच इज प्रत्येक अच्छे है। इधर आप यू करेंगे, अच्छा इधर का यूज क्या होता है, जब कोई थिंग्स है, मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए कोई एक वस्तु है, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड, जहां पे टू पार्ट्स में डिवाइड होता है तो एक पार्ट में आपको मिलता है, एक पार्ट नहीं भी मिल सकता है। तो जहां पे वन और टू एक पार्ट को दो भागों में डिवाइड करने के लिए वहां पे इधर का यूज होगा। तो यहाँ पे देखिए, या दो पर्सन है, वहां पे दो के दो में दोनों में से कोई एक, तो टू पर्सन में कोई एक के लिए इधर का यूज करते हैं। नीदर का यूज निगेटिव सेंस में किया जाता है, ना तो एवरीवन आपको पता है प्रत्येक नन मीन्स कोई नहीं। इच ऑफ यू इज गुड, इधर आप यू कर दो, आप में से कोई भी जा, कोई एक जा सकता है। नीदर ऑफ द कार्स कैन बी ड्राइविंग, कारों में से ना तो कोई भी चलाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए नीदर बहुत सारे थिंग्स के लिए, यानी बहुत सारे कार हैं लेकिन उनमें से किसी को भी चलाया ना जा सकता है, चलाया नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पे नीदर वर्ड निगेटिव सेंस के लिए यूज हुआ। अब नेक्स्ट जो काइंड्स है, अब उसके दिशा में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव मीन्स होता है निजवाचक प्रोनाउन में सीधा बना, किसे कहते हैं ये, इसको डेफिनेशन के थ्रू जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। इट इज यूज व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य होता है और उसका प्रभाव सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ता है, वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। यानी जो काम आप कर रहे हैं उसका जो रिफ्लेक्ट है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ता है, और वो जो जो वर्ड्स होता है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। यहाँ एग्जाम्पल से इसको और अच्छी तरह से समझिए, सी पनिश्ड हरसेल्फ, यानी जो स्वयं पे लागू हो, सी मीन्स वह, पनिश्ड मीन्स दंडित की, हरसेल्फ मीन्स स्वयं, यानी दंडित की काम की तो किसके ऊपर अप्लाई की, खुद के ऊपर, जो स्वयं के ऊपर अप्लाई हो तो हरसेल्फ क्या हुआ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और सी क्या होता है, ये प्रोनाउन होता है, ये पर्सनल प्रोनाउन होता है। यानी सब्जेक्ट के द्वारा खुद किया गया काम उसी के ऊपर अप्लाई हो वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। अच्छा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रोनाउन के आगे हम सेल्फ को ऐड कर देते हैं, जैसे योर सेल्फ, योर में सेल्फ जोड़ देंगे, ही है उसमें सेल्फ जोड़ के बनाते हैं। यहाँ पे देखिए हर है, हर क्या है, प्रोनाउन है, उसमें सेल्फ जुट गया तो सेल्फ, इस तरह से ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया है। यानी अगर मान लीजिए आवर है, ये सब तो हर सेल्फ सिंगुलर में आएगा, प्लूरल में आवर है तो आवर सेल्फ जोड़ेंगे तो हो जाएगा आवर सेल्फ, योर सेल्फ, और देव है, देव में सेल्फ जोड़ेंगे तो देव सेल्फ बन जाता है। इस तरह से जितने भी सेल्फ वाले वर्ड्स होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत है। अच्छा इसकी पहचान कैसे करेंगे, हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद आता है, वर्ब के बाद यूज हुआ। देखिए पनिश क्या है, पनिश्ड ये वर्ब है, तो वर्ब के बाद अगर ये हर्सेल्फ आया है तो क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। अब नेक्स्ट जो टाइप है, टाइप सब वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मीन्स होता है परस्पर बोधक सर्वनाम। आइए इसके डेफिनेशन को समझते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन द
दैट कन्वे द सेंस ऑफ रेसिप्रोकेशन, जो आपसी संबंध को दर्शाता है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है, जो रिलेशनशिप को शो करता है। जैसे जब दो व्यक्ति मिलकर किसी काम को, एक ही काम को करते हैं, या दो व्यक्ति मिलकर या दो से अधिक, दो से ज्यादा भी व्यक्ति हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर किसी काम को एक साथ करते हैं तो वहां पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एक ही कार्य को अगर दो से अधिक या दो लोग मिलकर करते हैं तो वहां पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है, और ये आपसी रिलेशन को शो करता है। जैसे ईच अदर वन अदर, ये इसमें एग्जांपल के दो ही होते हैं, कौन सा, ईच अदर एंड अदर। ईच अदर का यूज ओनली टू पर्सन के लिए होता है, और वन एंड अदर मोर देन टू, यानी दो से अधिक व्यक्तियों के लिए हम वन एंड अदर का यूज करेंगे। समटाइम्स कभी कभी हम ईच अदर और वन एंड अदर का भी हम जो एग्जाम्पल्स होगा इसका यूज एक साथ भी कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए अगर यहाँ पे टू पर्सन दिया गया तो ईच अदर करेंगे, और मान लीजिए संख्या नहीं पता है, नंबर्स नहीं पता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए जेम्स एंड मैरी लव ईच अदर, यहाँ पे टू पर्सन है तो ये तो क्लियर है ईच अदर आ गया, यानी दो व्यक्ति के लिए हम यूज करेंगे तो जेम्स एंड मैरी लव ईच अदर। अगर दो से अधिक है तो वहां पे हम वन एंड अदर का यूज करेंगे, लेकिन इस सेंस में दे है, अच्छा भाई बी है, वहां पर अगर ईच अदर या वन एंड अदर का यूज करते हैं तो भी करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। सेकेंड वन एंड अदर, तो वन एंड अदर का यूज कहाँ करते हैं, जहां पे दो से अधिक व्यक्ति हो, कितनी भी संख्या में हो सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, हमेशा जो वन एंड अदर होता है वो दो से अधिक व्यक्तियों के लिए यूज करते हैं। द फाइव ब्रदर्स लिव विद वन एंड अदर, पांच भाई एक साथ रहते हैं, ठीक है, एक साथ रहते हैं। अब वन एंड अदर एक साथ, और हमेशा विद क्या है, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अभी बहुत बाद में आएगा, प्रीपोजिशन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वन एंड अदर यानी पांच, देखिए यहाँ पे ये नंबर दिया गया पांच, यानी दो से अधिक हो गए तो इसलिए यहाँ पे वन एंड अदर का यूज किया गया है। तो इस तरह से हमारा ये सिक्स जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन तक मिस होगा। अब नेक्स्ट जो काइंड ऑफ प्रोनाउन है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो लास्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इसके डेफिनेशन को आइए देखते हैं। सम WH हैवी वर्ड्स आर दैट इज यूज्ड टू शो रिलेशन। WH फैमिली में होता है WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन वर्ड को हम कहते हैं WH फैमिली। तो अगर जहां पे क्वेश्चन वर्ड्स का यूज हो रहा है किस लिए, रिलेशन सिर्फ को शो करने के लिए, रिलेशन को शो करने के लिए, वहां पे होता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा टू सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है, और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जो WH फैमिली होता है, एक जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ये कंजेंशन की तरह काम करते हैं, ये वर्ड्स को क्या करते हैं, कंबाइंड करने के लिए इनका यूज होता है। यहाँ पे देखिए कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन है, हु, विच, दैट, हुम, व्हिच, व्हाट, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन है, और इनका यूज क्वेश्चन के लिए नहीं किया जाता किसी प्रश्न को, बल्कि वहां पे इसका यूज किस लिए करते हैं, टू सेंटेंस को जोड़ने के लिए। अब यहाँ पे देखिए हु मीन्स कौन होता, लेकिन यहाँ पे होगा जो। द बॉय हु वाज सिटिंग देयर इज माय ब्रदर, वह लड़का, हु मीन्स जो, वाज मीन्स था, सिटिंग मीन्स बैठा हुआ, देयर इज वन, वह लड़का जो वहां बैठा हुआ है, इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, और ये आपस में रिलेशन को भी शो कर रहा है,
मेरा जो लड़का हुआ बैठा हुआ वो मेरा भाई है। तो जो वो का मतलब कौन होता है, लेकिन यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए वर्ड ये कंजक्शन की तरह काम कर रहा है। तो इस तरह से ये वो जो है वो रिलेटिव प्रोनाउंस है। अब हमारा आज का टॉपिक यहाँ फिनिश होता है। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ होमवर्क दिए जाएंगे। आज का टॉपिक जो था प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स फिनिश होता है और इससे रिलेटेड आपको कुछ होमवर्क दिए जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको इजीली कर सकते हैं। आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये जो टॉपिक है आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो श्योरली आप इसको अपने होमवर्क को करिएगा अपने नोटबुक में और करके मुझे दिखाइएगा, ठीक है। और फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।